हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ 6G पोजीशन में कैसे आर्क वेल्डिंग करना है। हम लोग जब भी टेस्ट मारते हैं तो 6G पोजीशन में ही मारते हैं, लेकिन हमारा जो भी जॉब आ जाए 6G पोजीशन में, तो हमको कैसे आर्क वेल्डिंग उसमें करना है। तो रूट आर्गन से है, आर्गन का रूट है, और आर्क में फिलअप और कैपिंग होगा। और ये आपका 12 इंच का पाइप है, 18 mm थिकनेस है। तो मैं अभी वेल्डिंग चालू करने वाला हूँ। तो चालू करने के पहले हमको अपना वेल्डिंग रॉड का साइज़ देखना पड़ेगा, हमारा वेल्डिंग रॉड कौन सा साइज़ का है। अगर हमारा 2 mm 2.5 mm का हमारा इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए हमको 90 और 100 के बीच में पावर लेना पड़ेगा। अगर हमारा 3.2 का इलेक्ट्रोड है तो उसमें हमको 130 या 135 तक पावर चाहिए। और हमको सबसे पहले बॉटम से चालू करना है, बॉटम से चालू करके ही ऊपर टॉप में जाना है। तो बॉटम से चालू करने के टाइम में हमको पहले सबसे पहले हॉट पास मारना पड़ेगा। हॉट पास मारने के लिए अगर हम 3.2 का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको पावर 130 चाहिए, क्योंकि हमारा हॉट पास मारने के टाइम में पावर ज़्यादा नहीं चाहिए, 130 तक अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा पावर तो हमारा रूट जो है वो ख़राब हो सकता है। ओके दोस्तों, और अभी आप देख रहे हैं कि एक रॉड वेल्डिंग हो गया बॉटम से, अभी हम टॉप के तरफ जा रहे हैं। तो ये पोजीशन में जो ये पोजीशन है वो 6G का पोजीशन है, और 45 में एल्बो लगा हुआ है, रोड क्रॉसिंग का जॉइंट है। तो इसमें हम जितना रॉड वेल्डिंग करेंगे उतना हमारा पोजीशन चेंज होते जाएगा। तो अभी हम हॉट पास मार रहे हैं, तो हॉट पास हम एक मूव करके ही वेल्डिंग करेंगे। इसके बाद जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो मल्टी लेयर में वेल्डिंग करेंगे, पहले एक लेयर वेल्डिंग करेंगे, उसके बाद से फिर से दूसरी लेयर वेल्डिंग करेंगे। आर्क वेल्डिंग करने के टाइम में हमारा बैलेंस बराबर रखना है, हमारे शरीर का बैलेंस अच्छा रहेगा, पोजीशन अच्छा रहेगा तो वेल्डिंग भी अच्छा आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने बॉटम से चालू किया, फिर एक रॉड मारा, उसके बाद दूसरी रॉड में फिर से पोजीशन चेंज किया, अभी तीसरी रॉड में भी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको वीडियो पूरा दिखा रहा हूँ, लास्ट तक आप ध्यान से देखिए इसमें कैसे फिलअप करना है, कैपिंग करना है। अभी दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी हम टॉप तक चले गए हैं वेल्डिंग करके, तो टॉप में जाने के टाइम में भी हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, होल्डर का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा और हमारा हाथ का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके हमको टॉप में जाना है, टॉप में जाके उसके बाद से फिर दूसरी साइड से हमको वेल्डिंग चालू करना है। तो दूसरी साइड से वेल्डिंग चालू करने के पहले हमको पॉइंट ग्राइंडिंग कर लेना पड़ेगा, पॉइंट ग्राइंडिंग करके ही दूसरी रॉड चालू करना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट में हमारा पोरोसिटी रहता है वो ग्राइंडिंग से निकल जाता है, तो रिपेयर आने का चांस नहीं रहता है। और दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि उसको हम क्या कहते हैं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, जब भी आप गल्फ में या कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको क्लाइंट कभी भी ये बात पूछ सकते हैं कि जो वेल्डिंग करने के आर्क वेल्डिंग करने के टाइम में जो धुआं निकलता है उसका नाम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नाम है टॉक्सिंग फ्यूम। ओके दोस्तों, इसका नाम है टॉक्सिंग फ्यूम। आप लोग ये बात को ध्यान में रखिए, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। Thank you.
अभी आप देखें दोस्तों कि हमारा एक साइड से हॉट पास हो गया, तो दूसरी साइड से चालू करने के पहले हमको बॉटम में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम में पोरोसिटी रहता है। अगर हम वो ग्राइंडिंग नहीं करेंगे तो हमारा जॉइंट जो है वो रिपेयर आने का चांस हो जाता है। इसके लिए हमको पहले वहाँ पे ग्राइंडिंग कर लेना है, चेक कर लेना है, पोरोसिटी नहीं है तो हमको दूसरी साइड से वेल्डिंग चालू करना है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि सिक्स जी पोजीशन में कभी भी एक साइड में थोड़ा वेल्डिंग करने के लिए दिक्कत होता है और एक साइड में दिक्कत नहीं होता है। तो जो साइड में दिक्कत होता है उधर में हमारा पोजीशन बराबर रहेगा तो हमारा वेल्डिंग भी अच्छा आएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगा वेल्डिंग करने में, हमारा वेल्डिंग ख़राब नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पोजीशन है, हमारा शरीर का और हाथ का पोजीशन बराबर रहना चाहिए। अगर आपका बैलेंस नहीं मिल रहा है तो आप होल्डर को दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं या इलेक्ट्रोड को एक उंगली के सहारे भी लेके आप वेल्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि कभी भी हमारा रॉड स्पार्क करने के टाइम में हम ऊपर से स्पार्क करके उसके बाद से मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो उससे हमारा जो भी आगे पोरोसिटी रहता है वो हम जब भी वापस जाते हैं उसके ऊपर तो जो हमारा जो रेन फोर्स है उससे वो पोरोसिटी जल जाता है, ऐसे में रिपेयर नहीं आता है। ऐसे करके हमको हर रॉड में हर पोजीशन अलग अलग चेंज करके मारना पड़ेगा। और दोस्तों हमारा जब भी हॉट पास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से हमको ग्राइंडिंग कर लेना है, ग्राइंडिंग करके उसके बाद से हमको फिलअप करने के लिए मल्टीपास में फिलअप करना पड़ेगा। एक बार मूविंग करने के बाद करने से सिक्स जी पोजीशन में फिलअप बराबर नहीं होगा, तो जब भी फिलअप बराबर नहीं होगा तो हमारा कैपिंग भी अच्छा नहीं आएगा। दोस्तों देखिए हमारा हॉट पास कंप्लीट हो गया, तो हॉट पास कंप्लीट होने के बाद से हमको इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेंगे, पॉइंट ग्राइंडिंग कर लेंगे क्योंकि पोरोसिटी रहने का चांस रहता है। और उसके बाद से हम इसमें फिर से मल्टी लेयर में फिलअप करेंगे, उसके बाद हम कैपिंग मारेंगे तो कैपिंग भी हमारा मल्टी लेयर में ही होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा कैपिंग चार लेयर में हुआ है और अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जब भी सिक्स जी पोजीशन का जॉइंट मिलेगा तो जैसे हमने बताया आपको हर एक रॉड में हर एक टाइम पोजीशन आपको चेंज करते रहना है तो आपका वेल्डिंग बराबर होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।